हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, वन को नमस्कार। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश, वेलकम बैक टू द वीडियो फॉर टेकन इनसाइट। तो गाइस, मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्यों लोग रशिया को छोड़ के वापस इंडिया आ जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार, मैं तो रशिया में सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा, और ऐसा लोग क्यों इतना बड़ा डिसीजन ले पाते हैं। तो उस बारे में काफी डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने भी यही किया। वो रशिया में जॉब करने गया, लेकिन वहाँ का कल्चर उसे समझ नहीं आया, वहाँ पर वो जॉब पर सर्वाइव नहीं कर पाया। तो उसने एक फैसला लिया कि नहीं, रशिया में जॉब नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस इंडिया आ जाऊंगा। तो लोग ऐसा डिसीजन क्यों ले लेते हैं कि नहीं, मुझे रशिया में ही जाकर जॉब करनी है। तो उस बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखो, सबसे पहले चीज आती है कि कुछ लोग रशिया को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल देख के, और सोचते हैं कि वहाँ पर तो जॉब करके बहुत ही मजा आने वाला है, और इंडिया में हार्ड वर्किंग जॉब्स होती हैं, रशिया में तो क्या ही होता होगा, आराम से जॉब कर लूंगा, सुबह मॉर्निंग में जाना होगा, आराम से जॉब करना होगा, शाम को आ जाऊंगा, इतना ज्यादा मुझे हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, ऐसा नहीं होता है। जितना आपको हार्ड वर्क इंडिया में करना पड़ेगा, कंपैरेटिवली उसके ज्यादा ही आपको हार्ड वर्क रशिया में करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आती है, वहाँ पर वर्किंग आवर्स ज्यादा है। इंडिया की अगर बात करो गाइज, यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स होते हैं गाइज, वो 9 से 10 घंटे होते हैं, लेकिन रशिया में जो वर्किंग आवर्स होते हैं गाइज, वो 12-12 घंटे आपको जॉब करना पड़ेगा, और वो भी खड़े रह के जॉब। सपोज कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे एक दोस्त ने क्या रिसेंटली वो रशिया में जाकर जॉब किया, लेकिन लंबे टाइम तक वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया। तो उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उस बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि लोग सोचते हैं कि रशिया में जाते मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रशिया में जॉब करने के लिए आपको पहले डिफरेंट जगह जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है गाइस, वो आता है रशियन लैंग्वेज का। क्योंकि गाइस, यहाँ पे जो इंडिया में रहकर लोग जो सोचते हैं कि मैं तो वहाँ पे जाके काफ़ी आसानी से जॉब ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया हुआ है, मुझे जॉब एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं इंग्लिश में बात अच्छे से कर लेता हूँ, बाकी मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। गाइज देखो, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, जितने अच्छे आपको इंग्लिश बोलनी आती हो, रशिया में जाके कोई काम के नहीं अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती हो। क्योंकि जब आप वहाँ पे जाओगे, कोई एक हफ्ते के अंदर आइडिया लग जाएगा, अगर मैंने रशियन लैंग्वेज नहीं सीखी ना, तो मैं यहाँ पे लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि गाइज, वहाँ पे जितना भी काम होता है वो सब रशियन लैंग्वेज में ही होता है, भले ही वर्बल हो, भले ही रिटन हो। मैंने मेरे दोस्त को भी समझाया था ये चीज़ कि भाई, रशियन लैंग्वेज पहले से प्रिपेयर कर ले, बस ने मेरी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जब वहाँ पे जब वो गया तब उसे समझ में आया। और गाइस, वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाह रहा था, और जब उसने वहाँ पर हार्डवर्क करना स्टार्ट किया तो उससे नहीं हो पाया, तो वापस से वो इंडिया आ गया विद इन 3 मंथ्स के अंदर। अब बात करते हैं कि उसने सबसे पहले चैलेंजेस क्या फेस किए। सबसे पहली चीज़ तो आती है गाइस, वहाँ पर आपको जॉब आसानी से नहीं मिलने वाली है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो माइंड के अंदर कि वहाँ पर मेरे जॉब वेट कर रही है बहुत सारी, मैं जाऊँगा और डायरेक्टली जॉब मुझे बुला लेंगे और मैं जॉब करना स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको 1-1.5 महीना स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपको जाते जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी हो सकते हैं, फिर कोई वैकेंसी ऐसी निकली हो जो आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग हो तो बहुत बढ़िया है। और अगर इंग्लिश स्पीकिंग भी मिल जाएगी तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी मेरी बाकी वीडियोस में वेबसाइट्स के बारे में बताया हुआ है कि अभी तो .ru करके वेबसाइट है, उसमें जॉब लिस्टिंग होती है, और गाइस वो वेबसाइट 100% जेन्युइन है, आप उस पर ट्रस्ट करके जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। और वहाँ पर रशियंस में नंबर होते हैं, तो रशियंस में नंबर सेव करो, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सेव करो, उनको मैसेज लिखो, रशियन में ही लिखो, सर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप उनको बताओ। अगर वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो अपना रिज्यूमे रशियन लैंग्वेज में भी लिख के लेके जाओ और इंग्लिश में भी लिख के लेके जाओ। देन अगर उनके पास वैकेंसी होगी आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर नहीं होगी तो गाइज फिर आपको वापस से नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और गाइज एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि रशिया में लाइफस्टाइल देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर खर्चा बहुत महंगा है। अगर आप नॉर्मल से कॉफ़ी भी लेने जाओगे तो 150 से 200 रूबल से कम के नहीं आती है कहीं पर भी। अगर जो नॉर्मल वेंडिंग मशीन वगैरह लगी होती है गाइस, उसमें भले आपको 40-50 रूबल तक मिल जाएगी, सबसे चीप कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, वरना 150 रूबल से नीचे कोई भी कॉफ़ी नहीं मिलती है। और अगर रेंट की बात करूँ गाइस, अगर आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग या कजान जैसी सिटी के अंदर रहे, तो मान के चलो कि भाई 2 BHK आपको 50,000 रूबल से या फिर 60,000 रूबल से नीचे नहीं मिलने वाला है। अगर सिटी से थोड़ा सा दूर लोगे तो गाइज तब भी आपको 20 से 30,000 रूबल पर मंथ पे ही करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में जॉब सैलरी कितनी होती है, अगर नॉर्मल आप कोई भी जॉब कर रहे हो 40,000-50,000 रूबल, तो गाइज इतना तो लोगों का खर्चा ही आ जाता है वहाँ पे। तो लोग बचाएंगे क्या और भेजेंगे क्या घर पे जिसके लिए वो जॉब करने जा रहे हैं। और गाइज इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देन ही जॉब करने जाओ, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होकर जॉब करने मत चले जाओ कि रशिया में
भाई वहां का तो लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है, वहां पे जाऊंगा घूमूंगा मजे करूंगा, ये यहाँ से थॉट प्रोसेस रख के लेके जाते हैं। लेकिन जब वहां पे जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो इतना थक जाते हैं कि जो सैटरडे या संडे भी ऑफ होता है, 2 दिन का भी अगर किसी का ऑफ होता होगा उसमें भी उसको टाइम नहीं मिलता होगा। लेकिन गाइस जिस जॉब के लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पर, जो भी लेबर कैटेगरी जॉब्स होती हैं उसमें सिर्फ संडे ही ऑफ मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, वरना संडे को भी जॉब के लिए बुला लेते हैं। और गाइस जो वहाँ का पे रेट होता है गाइस, वो डे वाइज भी होता है, 15 डेज का भी होता है और मंथली भी होता है। जैसे डे वाइज की बात करूँ तो गाइस 1500 से लेकर 2000 रूबल तक मिलता है। अगर 2000 मिलता है तो आप 6500 रूबल पर मंथ मान सकते हो, 1500 मिलता है तो गाइस आप 45000 रूबल पर मंथ मान सकते हो। लेकिन गाइस उसके हिसाब से ही आपको हार्डवर्क भी करना होगा, ये मत सोचो कि अगर आप जितना अच्छा अमाउंट वहां पर कमा रहे होंगे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और गाइस उसके अलावा आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी वीजा पे जा रहे हो वहां पे पहुंचते ही उस वीजा को एक्सटेंड करवा लो, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो वीजा ना कुछ टाइम बाद एक्सटेंड करवा लूंगा, या फिर जिस एजेंसी के थ्रू मैं आ रहा हूँ या फिर जिस पर्सन के थ्रू मैं आ रहा हूँ वो मेरी हेल्प आउट कर देगा। गाइस कभी कभी क्या होता है कि इन प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो अगर आपने पहले ही इन चीजों के लिए अप्लाई नहीं कर रखा होगा, एंड मोमेंट पे जाकर अप्लाई करोगे और आपका वीजा एक्सटेंड नहीं हो पाया, और गाइस अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा, वापस आपको रशिया जाना पड़ेगा, तो आपको अच्छा खासा फाइटिया खर्चा लग जाएगा। तो आप अगर इस चीज को बचाना चाहते हो तो जैसे आप रशिया जाते हो, भले ही वर्क वीजा हो स्टडी वीजा हो, विदिन अ मंथ के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स फाइंड आउट कर लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, मेडिकल लगेगा या फिर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा उसको पता करो, और 2 महीने के अंदर अंदर अपना सारा जितना भी फाइल का काम है, जो भी डॉक्यूमेंट का काम है वो कंप्लीट कर दो और अप्लाई कर दो, ताकि आपका 3 महीने के अंदर आपका वीजा एक्सटेंड हो जाए, आपको वापस इंडिया ना आना पड़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भाइयों के साथ ऐसा ही हुआ है, उनका वीजा एक्सटेंड नहीं हो पाया। सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि वो बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं, वो 100% रिलाई कर जाते हैं अपनी एजेंसी के ऊपर, जिस भी पर्सन के थ्रू करा रहे हैं उसके ऊपर, सोचते हैं कि यार मैं क्यों ज्यादा एफर्ट्स मारूं, वो लोग करेंगे ना। तो गाइज अगर इनकेस थोड़ा भी डिले हो गया पैसा तो आपका ही लगने वाला है, आने जाने की टिकट आपको ही करनी पड़ेगी, एजेंसी पे नहीं करेगी, वो तो बोल देगी कि प्रोसेस में टाइम लग रहा है। लेकिन आपको अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं तो आप अपने साइड से तो प्रिपेयर रहोगे, डॉक्यूमेंट्स दोगे तो फटाफट काम हो जाएगा, लेकिन आप अपने साइड से ब्लैंक रहोगे तो गाइस यही होने वाला है, क्योंकि काफी भाइयों के साथ यही हुआ है। फिर वो वापस आए हैं, उन्होंने वापस से वीजा अप्लाई किया, अच्छा खासा अमाउंट लगाया था लाखों में, लेकिन वापस से लगाना पड़ रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं थी। तो इस चीज का ध्यान रखो। और गाइस अगर किसी को भी इस टाइम रशिया में ट्रैवल करना है टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम रशिया में टूरिज्म काफी अच्छा चल रहा है, काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है रशिया के अंदर, तो गाइस आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस टाइम गाइस मैं कोई भी वर्क वीजा के लिए प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, काफी लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, काफी मैसेजेस आते हैं सर मुझे वर्क वीजा चाहिए। गाइस वर्क वीजा मैं बिल्कुल ही प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए तो फॉर श्योर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प आउट कर सकता हूँ। वीजा रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वीजा फीस कैसे पे करनी होती है, बाकी डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करे जाएंगे, तो इन सब चीजों में आपकी हेल्प आउट कर दूंगा। कल मेरे पास कोई भी वर्क वीजा के लिए काम नहीं है, रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन प्रोसेस में मैं आपकी फॉर श्योर हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको ऑलरेडी जॉब मिल रखी है, आपके पास जॉब का इन्विटेशन आ रखा है, उसके आगे का प्रोसेस के लिए मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, या फिर अगर आपको फ्लाइट टिकट्स के लिए कोई भी हेल्प आउट चाहिए तो उसके लिए मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। सो गाइस आने वाले टाइम के अंदर जिनको भी रशिया में ट्रैवल करना है, टूरिस्ट वीजा हो गया, बिजनेस वीजा हो गया, वर्क वीजा अगर आपके पास ऑलरेडी इन्विटेशन आ रखा है, अगर आपको अप्लाई कराना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मैं गाइस इन चीज़ों में आपकी हेल्प आउट कर दूंगा और आपको एक वर्चुअल ट्रिप असिस्टेंस भी दे दूंगा। तो भी लोग टूरिज्म के लिए प्लान कर रहे हैं कि आप कैसी कैसी जगह पर जाकर ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आपको इमिग्रेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग को आइडिया लग सके कि रशिया में इस टाइम पे क्या चीज चल रही है, कैसे टूरिज्म करना चाहिए या फिर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो गाइस थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।